नमस्कार दोस्तों, बेसिक फोटोशॉप की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल के बारे में, इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और किस किस तरह इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने ये टूल अच्छी तरह से सीख लिए और इनकी प्रैक्टिस कर ली तो मान के चलिए कि 50% फोटोशॉप आप सीख गए। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस लाल वाले बटन को क्लिक करके और इसके साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई नई चीज़ सीख सके। तो वापस चलते हैं वीडियो के अंदर। फोटोशॉप खोल लिया है और एक इमेज ओपन कर ली है। सबसे पहले हम सिलेक्शन के इस टूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस मूव टूल से पिक्चर मूव कर सकते हैं, लेकिन हम पिक्चर का कुछ पार्ट मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए ये टूल अपने लेंगे, सिलेक्शन टूल, और इसको इतना सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल पे जाएंगे और इसको मूव कर सकते हैं। मान लो अपने को इतना पार्ट चाहिए, मान लो इतना पार्ट अपने को मूव करवाना है तो मूव टूल में जाइए और इसको मूव करवा सकते हैं। इसके बाद इस टूल के अंदर ये एक राउंड टूल है, इससे क्या है कि ये सर्कल बनाएगा ताकि हम सर्कल में फोटो को मूव करवा सकें। तो मूव टूल पे जाएंगे और इसको मूव करवा सकते हैं, यानी इतना पार्ट अपने को चाहिए तो इस तरह से सर्कल के अंदर अपने मूव करवा सकते हैं। और इस टूल की मदद से कोई भी पिक्चर को कट या कोई भी पार्ट्स को कट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका काम है सिलेक्शन बनाना। कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। अगर पिक्चर के उसी रूप में अपने को वापस आना है तो कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हैं। अब इस टूल की मदद से आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नई शेप बना सकते हैं। जैसे इतना सेलेक्ट करके, जैसे ये सिलेक्शन बना लिया, इसके बाद शिफ्ट और बैक स्पेस की मदद से ये शेप बना सकते हैं। जैसे हमें एक शेप इस तरह से बनानी है तो शिफ्ट और बैक स्पेस की मदद से एक शेप बना सकते हैं। अगर अपने से कोई फाइल जैसे ख़राब हो गई और अपने को पूरा का पूरा फाइल को वैसे का वैसा चाहिए, फाइल में जाएंगे और रिवर्ट कर देंगे, ये फाइल अपना स्टार्टिंग से जैसे था वैसे का वैसा अपने फाइल मिल गया। के बाद जो राउंड वाला टूल है, इससे इस तरह की शेप भी बना सकते हैं। शिफ्ट और बैक स्पेस की मदद से ये शेप बना सकते हैं। अगर इस सिलेक्शन को हटाना है तो उसके लिए कंट्रोल डी दबाएंगे। जैसे ये बना लिया और कंट्रोल डी से इसको हटा दिया। अब जैसे ये टूल है, ये सिलेक्शन के अंदर आता है लेजो टूल। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, तो पहले हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे। जितना एरिया अपने को सेलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे फोटो को जूम करना है, जूम करने के लिए कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे और क्लिक करेंगे, ये फोटो यहाँ से जूम हो जाएगी। अब हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रा करते हैं, माउस को छोड़ना नहीं है। जैसे ही माउस को छोड़ देंगे तो ये यहाँ तक आए, तो माउस को छोड़ दिया तो ये अपना सिलेक्शन ले लेगा। माउस का राइट क्लिक छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये ऊपर का पार्ट हमको दिख नहीं रहा, इसके लिए स्पेस का बटन दबाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, फिर वापस वैसे ही और इतना उसको राउंड करते हुए इसका ड्रॉ करेंगे, स्पेस दबाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे, ऊपर तक जाएंगे और यहाँ माउस का राइट क्लिक छोड़ देंगे। इसके बाद जूम आउट करते हैं तो ये इस तरह से ये इतना सिलेक्शन इसने ले लिया। अब इतने एरिया को अपने मूव करवा सकते हैं। इसे मूव टूल में जाते हैं और इसको इतना मूव करवा सकते हैं। अब कंट्रोल जेड से वापस जाएंगे और कंट्रोल डी से वापस सिलेक्शन हटा लेंगे। अब इस टूल में जाएंगे
वैसे इसी टूल का काम है, पर यह सेलेक्ट इस तरह से करेगा और स्पेस से ऊपर नीचे वैसे ही आना है और क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करते रहना है। इस तरह से स्पेस दबाएंगे, क्लिक करते रहना है, ऊपर नीचे इसको स्पेस की मदद से कर सकते हैं और यहाँ आके डबल क्लिक करना है, अपना इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया। मूव टूल में जाएंगे और मूव इसको उसी तरीके से मूव करवा सकते हैं। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा लेते हैं। इसके बाद इस टूल के अंदर जाएंगे, उसी तरह ये टूल भी काम करता है, पर इसके अंदर जो राउंड जो कटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये लाइन शेप पर ज़्यादा का अच्छा काम करता है, ये लाइन है तो ये अपने आप वर्क करेगा उस पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये लाइन के साथ साथ अच्छा वर्क करेगा। इसी ये राउंड आ गया तो अपने यहाँ क्लिक कर देंगे, जैसे ये लाइन है साथ साथ तो इस पर अपने आप वर्क कर रहा है। अब स्पेस की मदद से नीचे करते हैं, अगर अपनी कटिंग कहीं से ख़राब हो जाए तो बैक स्पेस की मदद से बैक आ सकते हैं और डबल क्लिक करेंगे, उसी हिसाब से मूव टूल के अंदर जाते हैं और इसको मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद ये टूल भी सिलेक्शन का काम करता है, मैजिक वॉन्ड टूल। मान लो इस टूल की मदद से इतनी कटिंग कर लेंगे, मान लो ये अपनी इमेज है तो ये इतना एरिया अपने को कट करना है, पीछे का इसका इतना एरिया कट करना है, तो इसके लिए ये टूल लेंगे तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और इस एरिया पर जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे इतना सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पीछे के बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं, जितना अपना एरिया सेलेक्ट है, डिलीट बटन से डिलीट कर दिया तो इस टूल की मदद से इतना एरिया कट कर दिया। तो इस टूल का इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। वापस उसी पोजीशन में रिवर्ट जाएंगे। अब इसके बाद अपना आता है पेन टूल, इसकी मदद से ही अपने कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पेन टूल, इसकी मदद से भी अपने कटिंग कर सकते हैं। तो इससे कटिंग किस तरह से करते हैं, इसे क्लिक करेंगे और एक पाथ बनाएंगे, ये इस तरह से एक पाथ बना देगा। अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक दबाएंगे और मेक सिलेक्शन, ओके, ये इतना सिलेक्शन बन गया। अब जैसे मान लो इतना अपने को कटिंग करना है तो इस टूल की मदद से, वैसे ही स्पेस की मदद से कटिंग करते हैं। और इस तरह से पाथ बना लेना है, इसके बाद मेक सिलेक्शन और ओके। अब इस मूव टूल की मदद से इस तरह से मूव कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने परफेक्ट हो गए हो, तो लगातार इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और सीखेंगे, जैसे हम इस टूल से कटिंग कर रहे हैं और इस तरह से, और हमें ये पार्ट भी इसके अंदर ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने से ये प्लस का निशान आ जाएगा, देखिए शिफ्ट दबाने से ये प्लस का निशान आ जाएगा, अपने शिफ्ट दबाए रखना है और यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है और इतना एरिया इसके अंदर ले लेना है यहाँ तक, और वापस जहाँ से कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ जाके डबल क्लिक कर देना है, तो इतना एरिया इसके अंदर आ गया। इसे इतना एरिया इसके अंदर लेना है, तो वैसे ही सिलेक्शन के अंदर से शिफ्ट बटन दबाएंगे और इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे,
और वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे डबल क्लिक करके इसको छोड़ देंगे। तो ये इतना एरिया सेलेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एरिया छोड़ने की। मान लो अपने को इतना एरिया छोड़ना है, अपने को इतना एरिया नहीं चाहिए इसके अंदर, तो अब अपने बाहर से कटिंग स्टार्ट करेंगे और एल्ट दबाएंगे। जैसे ही हम एल्ट दबाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इतना एरिया इसको सेलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, तो ये इतना एरिया छोड़ देगा। जैसे ये एरिया अपने को नहीं चाहिए तो बाहर से करेंगे एल्ट दबा के, तो इतना एरिया ये छोड़ देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।